दोस्तों कभी कभी मन होता है कि इडली डोसा या राइस के साथ में प्लेन सांभर खाए बिना कोई सब्जी वाला, तो वही रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसके लिए सबसे पहले हमने धो लेना है तूर दाल, या फिर आप मूंग दाल का भी ये बना सकते हो। इसे मैंने धो लिया है कुकर में डालकर, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज और साथ ही इसमें टमाटर, दो मीडियम साइज टमाटर लिए थे, एक थोड़ा सा बड़ा वाला प्याज लिया था, जिसमें अब नमक हल्दी साथ ही इसमें सांभर मसाला डालेंगे 2 चम्मच, और इसमें एक हरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं, साथ ही थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच, एक हरी मिर्च के टुकड़े डाल रही हूँ। इसे विसल कर लेना है, 2-3 विसल लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी है टमाटर प्याज और दाल है जो एकदम अच्छे से पक जाए। तो विसल हो चुकी है, इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम, जो दाल घोटने वाली मधानी होती है बस उसी से मैश कर लेना है अच्छी तरह से। और अब इसके तड़के के लिए हम कढ़ाई लेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 टेबल स्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों दाना, साथ ही थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब डाला है मैंने। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी से करी पत्ते, करी पत्ते के बिना सांभर में मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे, हमने दाल में ऑलरेडी डाल रखा है तो ये जो मैश की हुई दाल है वो डालनी है। पानी एडजस्ट करेंगे क्योंकि दाल जो है थोड़ी सी पतली अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, यानी इमली मैंने भिगो ली थी जब मैंने कुकर लगाया था, अब उसे मींच कर अच्छी तरह से उसका जो पानी निकलेगा ना, एक्स्ट्रैक्ट जो भी होगा वो सारा निकाल लेना है पानी की मदद से, और वो डाल देंगे हमारे सांभर में। और इसे एकदम अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जिससे कि सांभर इमली और जो हमारा तड़का है एक सा हो जाए। आप देख सकते हो कलर कितना ब्यूटीफुल सा आया है। तो आज मैंने इसे प्लेन राइस पापड़ और घी के साथ में खाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो ट्राई करना, आप इसे इडली या डोसा के साथ में भी बना सकते हो। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।